नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं जंतु जगत का वर्गीकरण पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, चार्ल्स डार्विन के समकालीन जैविक विकास के सिद्धांत का समान निष्कर्ष किसने दिया? ये दिए थे अल्फ्रेड रसेल वैलेस। इसका सी ऑप्शन सही है। और है सेकंड क्वेश्चन, पांडा निम्न में से किस कुल के प्राणी के समान होता है? तो आपको बता देते हैं हम कि पांडा जो होता है ये हमारा भालू के प्राणी के समान होता है। जो भालू कुल के प्राणी होता है उसके समान पांडा होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का, सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी कौन से हैं? सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी होता है हम लोगों का मालस्का। इसका बी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन हम लोगों का, स्पंज क्या है? तो स्पंज हमारा एक जंतु होता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। पांचवा क्वेश्चन हम लोगों का, सामान्यतः जंतु स्थान बदल सकते हैं, लेकिन निम्न में से कौन सा जंतु स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है? तो हमारा हाइड्रा जो होता है यह स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसका सी ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली हम लोगों का होता है कुत्ता मछली, यानी कि डार्क फिश। इसका सी ऑप्शन सही है। बाकी ये सिल्वर फिश, सितारा मछली, सन फिश ये सब नहीं होता है हमारा वास्तविक मछली, सिर्फ डार्क फिश होता है हम लोगों का वास्तविक मछली। चलते हैं सातवें क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से किन उभयचरों में जीभ का अभाव होता है? तो जीभ का अभाव जो होता है ये हम लोगों का इक्थियोफिस में होता है। इसका सी ऑप्शन सही है, इक्थियोफिस में। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है? ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि चमगादड़ उड़ सकता है। इसका भी ऑप्शन सही है, जबकि व्हेल, मुर्गी, छिपकली ये सब नहीं उड़ सकते हैं। दसवां क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न में से कौन एकल पोषीय परजीवी है? तो एकल पोषीय परजीवी जो होता है हम लोगों का ये एस्केरिस होता है। इसका सी ऑप्शन सही है, एस्केरिस। अब ग्यारहवां क्वेश्चन है हम लोगों का, कोलंबा लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कोलंबा लीविया जो होता है हम लोगों का ये होता है कबूतर का वैज्ञानिक नाम। इसका ये ऑप्शन सही है। पक्षियों को उड़ने के लिए रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पक्षियों को उड़ने के लिए जो रोकने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेलिंग। इसका ए ऑप्शन सही है, उसका हम लोग ब्रेलिंग बोलते हैं। निम्न में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो अंडा देने वाला जो स्तनधारी होता है ये हम लोगों का होता है कांटेदार चींटी खाने वाला, एकिडन, स्पिनी एंट ईटर। इसका डी ऑप्शन सही है, कांटेदार चींटी खाने वाला ये अंडा देने वाला स्तनधारी होता है। कार्ड किसकी प्रजाति है? तो ये जो कार्ड होता है हम लोगों का ये मछली का एक प्रजाति होता है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल में तैरने वाले पक्षी क्या रखते हैं? ये तो सभी को पता होगा कि ये जल में तैरने वाले जो पक्षी होते हैं ये जाली नुमा पैर रखते हैं, यानी कि 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न में से कौन सा जानवर अधिक गर्मी सहन कर सकता है? तो आप लोगों को पता ही होगा ये कि बकरी जो होता है हम लोगों का ये सबसे ज़्यादा गर्मी सहन कर सकता है इन समय, जबकि भैंस, गाय और गधे की अपेक्षा बकरी ज़्यादा गर्मी सहन कर सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा उपास्थ नरम हड्डियों वाली मछलियों का है? निम्न में से कौन सा जोड़ा उपास्थ नरम हड्डियों वाली मछलियों का है? नरम हड्डियों वाली मछलियों का जो होता है ये होता है सार्क और रे। इसका भी ऑप्शन सही है, सार्क और रे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और
वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? तो निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? हम आपको बता देते हैं, जो ये हमारा सिल्वर फिश होता है यह वास्तविक मछली नहीं होता है, जबकि साफ फिश, सकर फिश और हेमर फिश ये सब हम लोग का वास्तविक मछली होता है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मछली है? तो मछली है हम लोग डार्क फिश जो होता है, ये तो पहले ही हो चुका है हम लोग क्वेश्चन कि वास्तविक जो मछली मतलब यही होता है डार्क फिश। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न में से कौन वास्तविक सर्प नहीं है? वास्तविक सर्प कौन नहीं है? तो इसमें ग्लास सर्प ये हमारा वास्तविक सर्प नहीं होता है, जबकि समुद्री सर्प, अंध सर्प, वृक्ष सर्प ये सब वास्तविक सर्प होते हैं। अब है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म स्तनधारी वर्ग से संबंधित होता है? तो स्तनधारी वर्ग से होता है हम लोगों का व्हेल, चमगादड़, कंगारू और हिप्पोपोटेमस। व्हेल, चमगादड़, कंगारू और हिप्पोपोटेमस। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पक्षी है? तो सबसे बड़ा पक्षी जो होता है हम लोगों का वह होता है शुतुरमुर्ग। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं आर्निथोलॉजी। इसका डी ऑप्शन सही है, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं आर्निथोलॉजी। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस जानवर को क्लाइटेलम पाया जाता है? निम्न में से किस जानवर में क्लाइटेलम पाया जाता है? तो क्लाइटेलम जिसमें पाया जाता है वह होता है हम लोगों का केंचुआ। केंचुए में हम लोगों को क्लाइटेलम पाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा जाता है? यह तो सभी को पता होगा कि जंतुओं को जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है वह लैटिन भाषा में लिखा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। ये सब SSC में आए हुए सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषैला सर्प नहीं है? निम्न में से कौन विषैला सर्प नहीं है? विषैला सर्प हम लोगों का नहीं रहता, ये होता है पाइथन यानी कि अजगर। इसका डी ऑप्शन सही है। बाकी कोबस, ड्रायोफिस, एलेप्स ये सब विषैला सर्प होता है, जबकि पाइथन यानी कि अजगर ये विषैला सर्प नहीं होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कुछ मछलियां जल में तैरती नहीं हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होते हैं क्योंकि उसमें उपस्थित होते हैं ये होते हैं तैरने वाले चंपू। तैरने वाले उसमें चप्पू रहते हैं, इसलिए वो मछलियां जल में तैरती नहीं हैं। इसका सी ऑप्शन सही है, तैरने वाला चप्पू। 29 नंबर क्वेश्चन है, होमो सेपियंस का सही परिभाषा क्या है? तो होमो सेपियंस का सही परिभाषा होता है, होमो का अर्थ होता है मनुष्य और सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान, यानी कि मनुष्य और बुद्धिमान, यानी कि 29 का हो जाएगा ये ऑप्शन सही। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? तो जो होता है हम लोगों का नीला व्हेल यही सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है। इसका डी ऑप्शन सही है, 30 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीली व्हेल। कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? वो हो जाएगा नीली व्हेल। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर ध्वनि को आँखों के रूप में उपयोग करता है? तो ध्वनि को आँखों के रूप में उपयोग करता है यह होता है चमगादड़। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, मादा सार्क में क्लेस्पर किससे जुड़े हुए पाए जाते हैं? तो ये क्लेस्पर जुड़े हुए पाए जाते हैं होते हैं पेल्विक फिन से। 32 का सी ऑप्शन सही है, पेल्विक फिन। मादा सर्क में क्लेस्पर किससे जुड़े पाए जाते हैं? ये होता है पेल्विक फिन से। विज्ञान की शाखा ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ओडोंटोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं वो दांतों का, ओडोंटोलॉजी का अध्ययन कहलाता है दांतों का। 34 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से सरसृप में कौन से लक्षण आर्कियोप्टेरिक्स में पाए जाते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? यह होता है पंजेनुमा पंख, जबड़े में दांत और पूंछ। 34 का बी ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, डार्विन फिंच किस समूह को कहते हैं? तो डार्विन फिंच ये कहते हैं पक्षियों को, समूह को, पक्षियों के समूह को डार्विन फिंच कहते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। 3 का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? उत्तम परजीविका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? ये दिए थे स्पेंसर ने। 36 का सी ऑप्शन सही है, स्पेंसर ने। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विलुप्त जानवरों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पेलेंटोलॉजी। 37 का डी ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन, डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? तो ये थे एक सरसृप जो विलुप्त तो हो गए। इसका डी ऑप्शन सही है, डायनासोर सरसृप थे जो विलुप्त तो हो गए हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न में से किस अकशेरुकी, सॉरी, निम्न में से किस कशेरुकी में आक्सीकृत तथा अनाक्सीकृत रक्त का मिश्रण पाया जाता है? निम्न में से किस कशेरुकी में आक्सीकृत तथा अनाक्सीकृत रक्त का मिश्रण पाया जाता है? तो यह मिश्रण पाया जाता है उभयचरों में। 40 का बी ऑप्शन सही है, उभयचरों में पाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, जंतु प्राणी जो पेड़ की शाखाओं में रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो जंतु प्राणी जो पेड़ की शाखाओं में रहते हैं उसे हम बोलते हैं अर्बोरियल, अर्बोरियल। इसका ये ऑप्शन सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, चमगादड़ या डॉल्फिन शिकार, शिकारियों और अवरोध को खोजने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए चमगादड़ प्रयोग करते हैं प्रतिध्वनि का प्रयोग। इसका डी ऑप्शन सही है, प्रतिध्वनि का प्रयोग करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आंखें पाई जाती हैं? तो हम आप लोगों को बता देते हैं, केंचुए में एक भी आंख नहीं रहता है, ये कांच आंख रहित होता है। इसका डी ऑप्शन सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग डार्विन के क्रमागत विकास सिद्धांत का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा भाग डार्विन के क्रमागत विकास सिद्धांत का भाग नहीं है? तो यह जो भाग होता है लक्षणों का वंशानुक्रम। इसका डी ऑप्शन सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? तो सितारा मछली हम लोगों को वास्तविक मछली नहीं होता है। 46 का सही आंसर है बी, सितारा मछली, स्टार फिश। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक कीट जीव में होता है, तो एक कीट जीव में होता है 3 जोड़ी पैर होता है। इसका ये ऑप्शन सही है, 3 जोड़ी पैर होता है कीटों में। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, एंटेमोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो एंटेमोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं कीटों का, एंटेमोलॉजी में हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से फीता क्रीम ही है, फीता क्रीम क्या है? यह है हम लोगों क्वेश्चन, यह होता है टीनिया। 49 का सी ऑप्शन सही है, टीनिया, फीता क्रीम है टीनिया। 50 नंबर क्वेश्चन है, पिन्ना यानी कि बाहरी कान पाए जाते हैं, यह पाया जाता है स्तनधारियों में। इसका सी ऑप्शन सही है, स्तनधारियों में बाहरी कान पाए जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है? तो अंडे देने वाला स्तनधारी होता है हम लोगों का डक विल्ड प्लेटिपस होता है। इसका बी ऑप्शन सही है, 51 का बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये दिए थे आर एच विटेकर,
आर.एच. विटेकर। अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण आयोग की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसका ये ऑप्शन सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिर्मिकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है चींटियों का। चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी कहलाता है। उभयचर यानी कि एम्फीबिया शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है द्विस्तरीय जीवन। एम्फीबिया यानी कि उभयचर शब्द का अर्थ होता है द्विस्तरीय जीवन। इसका सी ऑप्शन सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों और कीटों के पंख होते हैं? पक्षियों और कीटों के पंख होते हैं समरूपी। इसका बी ऑप्शन सही है, समरूपी होते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर मोलस्का से संबंधित है? तो मोलस्का से हम लोगों का खरगोश यानी कि समुद्री जो है ये हम लोग मोलस्का से संबंधित है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर जबड़ा रहित होता है? निम्न में से कौन सा जानवर जबड़ा रहित होता है? तो जबड़ा रहित जानवर हम लोगों का होता है मिक्सीन। इसका सी ऑप्शन सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें पौधे और जानवर दोनों की विशेषताएं होती हैं? तो यह विशेषता होती है युगलीना में। युगलीना में पौधे और जानवर दोनों जैसी विशेषताएं होती हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटेरिया है? निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटेरिया है? यह है हम लोगों का काक्रोच, ये तिलचट्टा। तिलचट्टा का वैज्ञानिक नाम होता है ब्लाटेरिया, काक्रोच। 61 नंबर का क्वेश्चन है, सितारा मछली में गतिमान अंग होते हैं? तो सितारा मछली में गतिमान अंग होता है नलिकापाद। 61 का ये सही है, 61 नंबर का नलिकापाद। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो हम लोगों का ये जो व्हेल होती है वह एक मछली होती है। इसका डी ऑप्शन सही है। आप लोगों को पता होगा कि व्हेल एक मछली होती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? वह पुस्तक है हम लोगों का द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसका बी ऑप्शन सही है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जीवन काल सबसे अधिक होता है? तो कछुआ जो होता है उसका जीवन काल सबसे अधिक होता है। 64 नंबर का भी क्वेश्चन आंसर सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डेटा बुक जो होता है वह संकटापन्न प्रजाति पादप और जंतुओं के लिए होता है। 65 नंबर का भी क्वेश्चन सही है, बी ऑप्शन। 66 नंबर क्वेश्चन है, सी एनिमान किस संघ से संबंधित है? सी एनिमान किस संघ से संबंधित है? तो यह निडेरिया से संबंधित है, निडेरिया संघ से संबंधित होता है। 66 का भी ऑप्शन सही है। अमीबा किस संघ से संबंधित है? तो अमीबा ये हम लोगों का रहता है एनिलीडा संघ से संबंधित, अमीबा एनिलीडा से रहता है, सॉरी अमीबा जो रहता है हम लोगों का प्रोटोजोवा से रहता है, प्रोटोजोवा। 67 का ये ऑप्शन सही है, 67 का ये ऑप्शन सही है, अमीबा जो रहता है वो प्रोटोजोवा संघ से संबंधित होता है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, मकड़ी किस संघ से संबंध रखती है? तो मकड़ी जो होता है ये आर्थोपोडा संघ से संबंधित रहता है, आर्थोपोडा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मकड़ी आर्थोपोडा संघ से संबंध रखता है। अब बात आ गया अब 69 नंबर का कि ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है? तो ऑक्टोपस जो होता है ये मोलस्का से संबंधित होता है, मोलस्का संघ से। ऑक्टोपस मोलस्का संघ से, और मकड़ी जो होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ से। प्राण यानी कि झींगा किस संघ में पाया जाता है? तो झींगा ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा संघ में, आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, केकड़ा किस संघ से संबंध रखता है?
तो केकड़ा जो होता है ये कारडेटा, कारडेटा संघ से संबंधित रखता है, केकड़ा कारडेटा। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम का परजीवी क्या बीमारी फैलाता है? प्लाज्मोडियम का परजीवी ये बीमारी फैलाता है मलेरिया का। ये तो सभी को पता होगा कि मलेरिया जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, आयस्टर किस संघ से संबंधित है? तो आयस्टर जो होता है ये हम लोगों का, ये मालस्का से संबंधित होता है, मालस्का संघ से। इसका डी ऑप्शन सही है, मालस्का संघ। आयरस्टर, आयस्टर होता है ये मालस्का संघ से संबंधित। 75 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र में किस श्रेणी में आता है? तो मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र में ये सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। 75 का ये मनुष्य जो होता है ये सर्वाहारी होता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये तो सभी को पता होगा, जंतु जनक का, जंतु विज्ञान का जनक ये कहें अरस्तु। 76 में से उभयचर का उदाहरण नहीं है, तो उभयचर का उदाहरण नहीं है टोड, सॉरी समुद्री घोड़ा। निम्न में से उभयचर का उदाहरण नहीं है यह समुद्री घोड़ा। निम्न में से कुत्ता मछली डॉग फिश का वास स्थान है? कुत्ता मछली डॉग फिश का वास स्थान है समुद्र। बी ऑप्शन सही है। नेरिस फेरिटीमा केंचुए और हिरुडिनेरिया रक्त चूसक के संघ के उदाहरण हैं? यह है एस के हेलमंथीच। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ कारडेटा के लिए सत्य नहीं है? हृदय का पृष्ठीय भाग यह सत्य नहीं है संघ कारडेटा के लिए। 82 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा संघ है मालस्का। 83, टीनिया टेपवार्म फेसियोला लीवर फ्लूक किस संघ के उदाहरण हैं? यह है प्लेटी हेलमिंथीज का। इसका बी ऑप्शन सही है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, क्यूआर कोड को, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस बार कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।